नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार यानी कि आज पटना में हुई। बता दें कि यह बैठक सुबह 11 बजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में शुरू हुई। जानकारी के मुताबिक जेडीयू के इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन पर ही विचार विमर्श हुआ। चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद भी पार्टी की नजरें अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर हैं और इसको लेकर संगठन के विस्तार और मजबूती पर फोकस किया जा सकता है। हाल ही में पार्टी ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का फैसला लिया है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में चुनाव अधिकारी का चयन होगा और पार्टी के संगठित चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में देश के कई राज्यों से जेडीयू के प्रतिनिधि शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि जेडीयू झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़े या नहीं। इसका इशारा खुद सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था। दरअसल नीतीश ने कहा था कि झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर छोड़ दिया गया है। साथ ही झारखंड से आने वाले नेताओं से भी इस मामले में राय ली जाएगी। मालूम हो कि बिहार में जेडीयू के करीब 50 लाख सदस्य हैं, जबकि राज्य के बाहर देश भर में जेडीयू के करीब 16 लाख सक्रिय सदस्य हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। बाईस वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।